हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के वीडियो में हम काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के बारे में आपको बताएंगे, जैसे फ्लाइंग बीस्ट, YPM, अनमोल, सौरभ एंड मुंबई का निखिल के बारे में। फुल नेम एज हाउस से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुल नेम तो फ्लाइंग बीस्ट का फुल नेम है गौरव तनेजा। वही बात करेंगे अब YPM के बारे में। आप सभी को नहीं पता, यदुप्रियम मेहता ये इनका रियल नेम है। वही बात करेंगे इंडियन बैकपैकर के बारे में कि इनका रियल नेम क्या है। आप सभी को नहीं पता है तो गाइस आप सभी को बता दूं, अनमोल जायसवाल ये इनका रियल नेम है। वही बात करेंगे सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। आप सभी को नहीं पता इनका रियल नेम क्या है तो आप सभी को बता दूं, सौरव जोशी ये इनका रियल नेम है। अब हम बात करेंगे मुंबई का निखिल के बारे में। आप सभी को नहीं पता है तो आप सभी को मैं बता दूं गाइस, इनका रियल नेम है निखिल शर्मा। चलिए अब हम बात करेंगे इन सभी की एज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। आप सभी को नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी ये 34 साल के हो चुके हैं। वही बात करेंगे YPM के बारे में, कितने साल के ये हो चुके हैं। आपको नहीं पता है तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, 19 साल के ये हो चुके हैं। वही बात करें अनमोल जायसवाल के बारे में, आप सभी को नहीं पता है तो गाइस बता दूं, आपको 22 साल के ये हो चुके हैं। वही बात करेंगे अब सौरभ जोशी के बारे में। आप सभी को नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं गाइस, इनकी एज है अभी 21 साल। वही बात करेंगे मुंबई का निखिल के बारे में। आप सभी को नहीं पता ये कितने साल के हो चुके हैं तो आप सभी को मैं बता दूं गाइस, इनकी एज है 30 साल। वही बात करेंगे अब हम इन सभी के घर के बारे में, आखिर कहां कहां पर है इनके घर। बात करें गौरव तनेजा के बारे में तो ये रहते हैं दिल्ली में। वही बात करेंगे YPM के बारे में, आप सभी को नहीं पता तो मैं आप सभी को बता दूं, YPM रहते हैं दिल्ली इंडिया में। वही बात करेंगे अनमोल जायसवाल के बारे में, आप सभी को नहीं पता कि इनका घर कहाँ पर है तो मैं आप सभी को बता दूं, इनका घर है गुड़गांव हरियाणा में। वही बात करेंगे अब सौरभ जोशी के बारे में, आप सभी को नहीं पता इनका घर कहाँ पर है तो मैं आप सभी को बता दूं गाइस, देहरादून उत्तराखंड में इनका घर है। वही बात करेंगे मुंबई का निखिल के बारे में, आप सभी को पता ही चल गया होगा नाम से ही कि ये रहते हैं मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में इनका घर है। मैं आशा कर रहा हूँ अब तक का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आने वाला वीडियो और भी काफ़ी अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर ही जाना। आप सभी यूट्यूब चैनल के बारे में और हॉबीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले गौरव तनेजा के बारे में। तीन यूट्यूब चैनल हैं, फिट मसल TV, फ्लाइंग बीस्ट, रसबरी के पापा। ये तीनों ही यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, आपने नहीं देखे तो आप भी देखना। अब हम बात करेंगे YPM के बारे में। यदि आपको नहीं पता YPM के यूट्यूब चैनल्स के बारे में तो मैं आप सभी को बता दूंगा, इनके दो यूट्यूब चैनल हैं। फर्स्ट यूट्यूब चैनल का नाम है YPM ब्लॉग्स और सेकेंड यूट्यूब चैनल का नाम है YPM गेमिंग। दोनों ही काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, आपने नहीं देखे तो आप भी ज़रूर देखना। अब हम बात करेंगे अनमोल जायसवाल के बारे में। चार यूट्यूब चैनल हैं इनके, अनमोल जायसवाल, इंडियन बैकपैकर, एजे गेमिंग, gamesook.in। चारों ही यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, आपने नहीं देखे तो आप भी देखना, काफ़ी अच्छे वीडियोस ये बनाते हैं। वही बात करेंगे अब सौरभ जोशी के बारे में। आप सभी को नहीं पता है तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, इनके दो यूट्यूब चैनल हैं, सौरभ जोशी आर्ट्स, सौरभ जोशी ब्लॉग्स। दोनों ही यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप भी ज़रूर देखना इनके वीडियोस, आपने नहीं देखे हैं तो। अब हम बात करेंगे मुंबई का निखिल के बारे में। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मुंबई का निखिल, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, आप सभी ने नहीं देखे हैं इनके वीडियोज़ तो आप भी ज़रूर देखना। चलिए अब हम बात करेंगे हॉबीज़ के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट की हॉबी है जिम जाना, इनको जिम जाना काफ़ी अच्छा लगता है। वही बात करेंगे YPM के बारे में तो मैं आप सभी को बता दूँ, इनकी हॉबी है ट्रैवलिंग, इनको ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वही बात करेंगे अब अनमोल जायसवाल के बारे में तो इनको भी ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वही बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में तो इनको व्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वही बात करेंगे अब मुंबई का निखिल के बारे में तो आप सभी को बता दूँ, मुंबई का निखिल को ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता के जाना। आप सभी अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।